हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आ गए हुए हैं जसौली, जसौली एग्रो फार्म, जो कि मोतीपुर ब्लॉक में है। ये बिहार का नंबर वन फार्म है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोग फार्म काफ़ी सारा, देखिए मुर्गा वगैरह ये सब यहाँ पे। देखिए पूरा नेट लगा हुआ है मुर्गा का सेफ्टी के लिए। देखिए ये लोग अपना खाना खा रहे हैं मुर्गा लोग, देख सकते हैं। देहाती मुर्गा है, देखिए देहाती मुर्गा है ना, ये सब लोग खाना खा रहे हैं अपना दाना। देख कितना काफ़ी सा दाना खाने का व्यवस्था कर किया जाता है फार्म द्वारा। देखिए कितना बड़ा तालाब है यहाँ पे, देखिए सब चीज़ की व्यवस्था है, मोटर वगैरह हर चीज़ का। देख सकते हैं अभी इसी तालाब से अभी जस्ट ये मशीन निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अभी देखिए कितना बड़ा तालाब है, ऐसा यहाँ पे 5-10 ठो है तालाब, देख सकते हैं। मत्स्य पालन को बिहार सरकार बहुत काफ़ी प्रिफेयर कर रही है, आप लोग भी चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस है ये भी मछली पालन का। देखिए जसौली एग्रो फार्म का ऑनर, इनसे मिलाते हैं। यही है, ठीक है अंकल जी, अपना बारे बताइए कुछ मेरे ऑडियंस को। मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ उमेश कुमार साहू, बेसिकली मैं कांटी के रहने वाला हूँ, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ा है। ये प्रोजेक्ट जसौली एग्रो के नाम से है और जसौली ग्राम में स्थित है, पंचायत में मोतीपुर ब्लॉक, जिला मुजफ्फरपुर बिहार। और इसमें जो है मछली का प्रोजेक्ट है हमारा और बत्तख है। बत्तख से मछली को विशेष फायदा होता है, इसलिए हम रखे हैं। जब मछली जो तालाब है ना, उसमें एरिएट का काम करता है, उसका भोजन देता है, माने मछली से बेहतरीन फायदा है बत्तख से मछली के लिए। और मुर्गा भी रखे हैं हम, 5-6 मुर्गा है, 5-6 मुर्गा बत्तख सब मिला करके 10 शेयर हम रखे हैं। और यहाँ इंटीग्रेटेड मॉडल को हमने माने विकसित करने का काम किया। यहाँ हैचरी भी है, मुर्गी का चूजा मिलता है, बत्तख का चूजा मिलता है, मछली का भी हैचरी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, वो भी चालू होगा। और मुर्गी बत्तख का हैचरी हमारे पास माने अभी चल रहा है, चलते वो हमारा अभी रनिंग पीरियड में चूजा हम देते हैं। आपके यहाँ कोई कड़कनाथ आता है? हाँ, कड़कनाथ भी है जी। आरआरआई का भी फॉर्म हमारा एक अलग है, वहाँ से भी जो कि काफ़ी कॉस्टली मिलता है ना, कड़कनाथ के नाम से। नहीं कुछ बताइए कड़कनाथ के बारे में। कड़कनाथ के बने थोड़ा सा विशेष प्रोटीन दार बर्ड है, और उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिसमें बहुत बीमारियाँ में लाभदायक है, इसलिए लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। कड़कनाथ मैंने बिकता है 1000 रुपये, काफी प्रोटीन, 800 रुपये तक हम बेचते हैं। और दूसरी नंबर है कि हमने कुछ रिसर्च का भी काम करते हैं कि बत्तख पालने में बत्तख कितना से कितना कम कॉस्ट में खाना खा ले, मुर्गी कितना से कितना कॉस्ट में खाना खा ले, उसका रिसर्च करके हम देते रहते हैं। घास है, देखिए घास काट करके आया है, जो अभी सामने रखा हुआ है, जो मुर्गी के काट करके हम घास देंगे, कुछ कचरा कल है और
मुर्गी को भी देंगे, बत्तख भी खाएगी और मछली भी खाएगी। मछली के लोग खड़े भिगवा देते हैं तालाब में, कुट्टी काट के भी देते हैं और वगैरह वगैरह माने उसका शोध करके हम कॉस्ट कम से कम रिसर्च भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं इसमें, जो कम से कम लागत में मुर्गी बत्तख तैयार होके किसान को फायदा होके किसान को लेकर के चलते हैं। किसान डेवलप करेंगे, हम भी डेवलप करेंगे। आपका अच्छा आइडिया है लग रहा है हमको, बिजनेस आइडिया अच्छा लग रहा है हमको। फार्मिंग मत्स्य पालन को बिहार सरकार भी बहुत प्रेफर कर रही है ना, अच्छा खासा लोन भी मिल रहा है। कितना प्रोजेक्ट है आपका, क्या है जो लगा है? तो लगा है उसमें बहुत, देखने से लग रहा है कि हाँ काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और एक्चुअली आपसे थोड़ा और घुमाइए, थोड़ा क्या क्या दिखाइए थोड़ा। ये देखिए आप लोग क्या है अंकल, ये बत्तख का चूजा है, और बत्तख का चूजा ब्रूडिंग हो रहा है अपने लिए, और माने इसमें हैचरी है। एक्चुअली हैचरी दिखाते हैं, चेन भी है, पूरा व्यवस्थित रखे हैं जी, जो स्टाफ लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए ना खाने का अच्छा व्यवस्था प्रबंध है इस फार्म में। देखिए कितना दाना वगैरह है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा हैचरी है, हैचरी ये देखिए हैचरी है इनका, ये हमारा हैचरी है, फुल शटर चलता है एकदम जी। इसमें क्या क्या कैसे क्या होता है? सब अंडा है, बत्तख का है, मुर्गी का है जी, सब बिकता है। ये भी है एक शटर, ये भी है जी, फुल है। हाँ तो दिखा दीजिए, ये भी शटर हमारा फुल है, बटेर का बच्चा भी निकालते हैं, बटेर का बच्चा अंडा लगा हुआ है, बटेर का भी कड़कनाथ का है, कड़कनाथ का बच्चा ना, अंडा अंडा एसी से बच्चा तैयार होता है ना। यहाँ हमारा हैच लगा हुआ है। ये क्या है अंकल जी? ये हैच है, हैचरी है, अंडा तैयार होता है तो यहाँ बच्चा निकलता है इसमें। अंडा फुल है इसमें, अभी नहीं निकालेंगे, खोलेंगे गैस निकल जाएगा। इसमें लोडेड है, इसी से बच्चा निकलता है ना। देख सकते हैं आप लोग, अभी नहीं खोल सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा लोडेड है फुल्ली। देख सकते हैं आप लोग कड़कनाथ मुर्गा, ये प्योर काला है, देखिए आप लोग इसका मीट काफी कॉस्टली बिकता है, करीबन 800 रुपए केजी ना, हजार रुपए, 1000 रुपए केजी। देखिए आप लोग ये सभी आपको जसौली एग्रो फार्म में देखिए देखने को मिलेंगे। देखिए के बारे में जो बता रहे हैं, मोटा भूसा, राइस ब्रांड, चूरा का भूसी सब मिला करके डाल देते हैं, बत्तख सब दिन भर अपना आकर के खाते रहता है। इन आइए पास में लग जाएगा, देख सकते हैं आप लोग बत्तख कितना एंजॉय कर रहा है पानी में। देखिए 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 आपको दिखाते हैं, मछली निकल रहा है अभी जस्ट, कितना सारा बत्तख। देख सकते हैं आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं मछली मारने, देखिए कितना मेहनत होता है, आप लोग दिखाते हैं। देखिए आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं मछली मारने में, देखिए 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 कितना बड़ा जाल है और ये लोग कितना मेहनत कर रहा है। देखिए
जैसा आप लोग जसौली एग्रो देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा फार्म है। इस तरह का तालाब समझिए कि 10 ठो है यहाँ पे। देखिए ये लोग कितना देखिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये लोग देख सकते हैं आप लोग, देखिए आप लोग मछली का ताल का कितना ज्यादा मछली देखिए आप लोग इलो भी अपना देखिए खुराकी खोज रहा है। इलो में अटैक कर दिया मछली। देखिए हो भगाओ ना, देखिए आप लोग सब मछली खाई। इलो भी अपना शिकार कर रहा है मछली। ओके फ्रेंड्स, अगले ब्लॉग में तक बाय बाय।